के समय में सभी हेल्थी रहना पसंद करते हैं और इसके लिए लोग कई नुस्खों को भी आजमाते हैं और कई लोग तो जिम भी जाते हैं ताकि वो हमेशा बीमारियों से बचे रहें। पर फिर भी कई लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और हार्ट अटैक केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में एक फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत इसी की वजह से हुई थी। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा किसी भी व्यक्ति को पड़ सकता है और यदि उसे सही इलाज ना मिले तो ये उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। ये दिल की बीमारियों में से एक है जो कि पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। द हिंदू नाम के एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 28% लोगों की मौत दिल के दौरे के वजह से ही होती है और ये आंकड़े साफ साफ बयान कर रहे हैं कि दिल के दौरे वालों मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल कई लोगों को इस बीमारी की जानकारी कम ही है और इसी कारण जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। अगर आप भी हार्ट अटैक की पूरी जानकारी से अनजान है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दिल का दौरा उस स्थिति में पड़ सकता है जब किसी व्यक्ति के दिल तक ब्लड ना पहुंच सके। इस समस्या को ब्लॉकेज भी कहा जाता है और ब्लड का दिल तक ना पहुंचने के कारण ये जमना यानी ठोस होना शुरू हो जाता है और इससे दिल पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इसे सहना नामुमकिन हो जाता है और इस स्थिति को ही दिल का दौरा कहा जाता है। अभी तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि दिल का दौरा क्या होता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में बताऊंगा। दिल का दौरा पड़ने से इंसान का शरीर कई तरह के सिम्टम्स देता है जो कि आपको ये बताते हैं कि आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हो। छाती में तेज दर्द होना, उल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, भूख कम लगना, बहुत पसीना आना, इन लक्षणों से पता लगता है कि इंसान दिल के दौरे जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। किसी भी इंसान को दिल का दौरा कई सारी वजह से पड़ सकता है, इसीलिए हम सभी को इन वजहों की जानकारी होना चाहिए। अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग करना है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर, और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण तनाव में होना यानी डिप्रेशन। इंसान के ज्यादा तनाव में रहने से भी हार्ट अटैक की बीमारी होने का डर होता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है तो फिर उसका ठीक होना मुश्किल है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी बीमारियों की तरह दिल के दौरे का भी इलाज संभव है। इसका इलाज दवाई लेने से, पेन किलर दवाई लेने से, पास सर्जरी करवाने से, दिल की सर्जरी करवाने से और ईसीजी करवाने से। इस टेस्ट में दिल के धड़कनों का साफ साफ पता लगाया जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर उसका इलाज किया जाता है। इस बीमारी का इलाज करवाने में 7 से 50 लाख रुपए तक लग जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, दिल के धड़कनों का बहुत ही तेज गति में धड़कना। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए